हेलो स्टूडेंट्स, वो फोर्थ क्लास मैंने टू सेकंड पार्ट यूजी सेकंड पार्ट सिलेबस अपने यहाँ बीआरए बीयू में स्टार्ट्स फ्रॉम ऑप्टिक्स एंड देयर आर टू पेपर्स सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर ऑप्टिक्स का है और फोर्थ पेपर में वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड अदर चीज़ है। तो ये शुरू हम करेंगे थर्ड पेपर यानी बीएससी में टोटल आठ पेपर आठ किताब पढ़नी है फर्स्ट पार्ट से लेके थर्ड पार्ट तक। उसमें 200 नंबर का पढ़ना है यहाँ फर्स्ट पार्ट में, 200 नंबर का सेकंड पार्ट में और 400 नंबर का थर्ड पार्ट। तो ये 200 नंबर का फर्स्ट पार्ट हो चुका है हम लोगों का और 200 नंबर का ये सेकंड पार्ट होना है। सेकंड पार्ट वालों के लिए हम बता रहे हैं, तो उसमें ऑप्टिक्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है तीसरा पेपर का। दो पेपर हो गया फर्स्ट पार्ट में, ये तीसरा पेपर, और फिर चौथे पेपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और मॉडर्न फिज़िक्स है, ये सब है उसमें। देन आई स्टार्ट ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिक्स का पहला क्वेश्चन, इफ़ यू गो इन टू सिलेबस अगर आप देखेंगे तो देखेंगे सर, पहला क्वेश्चन शुरू होता है फरमाट्स प्रिंसिपल। ये आदमी का नाम है फरमाट्स प्रिंसिपल, ओके। और यूजिंग मैंने फरमाट्स प्रिंसिपल प्रूव करना है कि सर व्हाट इज़ फरमाट्स प्रिंसिपल एंड इसका प्रूफ है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पैसेज थ्रू लेंस एंड सो ऑन। अपने लोगों को दो तीन क्वेश्चन आता है कि साहब आप फरमाट्स प्रिंसिपल को रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्शन में प्रूव करिए। तो ये प्रिंसिपल या प्रिंसिपल जान लीजिए पहले। फरमाट्स प्रिंसिपल ये है, फरमाट्स प्रिंसिपल ऑफ, लोग कहीं कहीं बोलता है मिनिमम टाइम, कहीं बोलता है फरमाट्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम, और एक जगह पे फरमाट्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम टाइम भी है। वो प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल इज़ दिस कि वेन एवर लाइट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, जब कभी भी प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो हमेशा लाइट विल फॉलो द पाथ वेयर टाइम टेकन इज़ मिनिमम। इन फ्यू केसेस माने कुछ हालत ऐसी होती है वेयर टाइम टेकन इज़ मैक्सिमम, बट इट इज़ बहुत कम। पहले जो लोगों को पता चला था फरमाट्स को 1857-58 में इसने ये थ्योरी दी थी, तो उसको जो पता चला था उसमें मिनिमम ही था। सो एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू विल फाइंड सर फरमाट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम मतलब कम से कम। तो बट देयर आर एक्सेप्शंस टू, माने इन सम केसेस इट हैज़ बीन फाउंड के फरमाट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम नहीं, इट इज़ फरमाट्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम टाइम। सो आई हैव टू शो दिखाना है कि हाउ फरमाट्स प्रिंसिपल स्टैंड्स इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस ETC। तो ये हो गया, मैंने वन शुड नोट कि व्हाट इज़ फरमाट्स प्रिंसिपल। फरमाट्स प्रिंसिपल स्टेट्स के लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑलवेज फॉलोज ए पाथ विच पाथ इज पाथ ऑफ मिनिमम टाइम पाथ ऑफ लीस्ट टाइम। और ये है आइदर देयर इज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और अदर फेनोमेना, रिफ्लेक्शंस रिफ्रैक्शन पोलराइजेशंस इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शंस, दीज आर डिफरेंट फेनोमेना विच आर टू बी स्टडीड इन डिटेल इन आगे के इन नेक्स्ट चैप्टर्स अगला चैप्टर्स में। तो लेट अस सी कि हाउ डज फरमाट्स प्रिंसिपल होल्ड इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, देन आई विल शो हाउ डज इट होल्ड इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लेट अस स्टार्ट्स, यू मे राइट फरमाट्स प्रिंसिपल, पहले फरमाट्स प्रिंसिपल ऊपर भी लिखा है फरमाट्स प्रिंसिपल स्टेट्स
in going from one point to other, in going from one point to other, one point to other, other, light always follows a path. Light always follow a path. Light always follows a path of minimum time. That is the path of minimum time. This is okay. Itna hi. In some cases, there are a few cases where time taken is maximum. So this is the reason. The principle is called Fermat's principle of stationary time. Fermat's principle of stationary time. Okay. Now you note down if you want. ठीक है तो ठीक ओके अब लेट अस प्रूव द केसेस वेयर टाइम टेकन इज मिनिमम और मैक्सिमम फॉर दैट वी टेक अप फर्स्ट रिफ्लेक्शन एवरीबडी नोज light suffers reflection. Reflection means lotna by a smooth surface. From a smooth surface, light got reflected. And the smooth surface may be mirror, may be anything like this. So suppose ke sir, this is a mirror. Plane mirror, here it is. Or here there is incidence of light like this. There is incidence of light like this. There is reflection of light like this, and this is point of incidence. This is incident ray, this is reflected ray, this is point of incidence, this is normal. Normal to this point of incidence, normal to the radius. And we already know, we have studied in earlier classes, angle of incidence is angle of reflection. But this can be proved with help of Fermat's principle. And that we will see okay, how I is equal to R. Here this is angle of incidence, this is angle of reflection, this is angle of reflection. Okay. So yeah, sir. Ab hum log karenge to prove it. Yahan se suppose karo ek dal de hum yahan ek perpendicular yahan dal diya, yahan ek perpendicular dal diya. Ye point of incidence hai O. Let us name it AAO. Here let us name it B, this is OB, O is incident ray, OB is reflected ray, and this point is normal, O say N, ON is normal. Where is normal? Normal is means perpendicular to the reflecting surface. Now let us this point ka naam hum M rakh dein, yahan par ka naam H ya N rakh liya hai, yahan P rakh dein, anything bhi. या कह दें हम यहाँ ए एम बराबर एच वन ही कह दें. सपोज एच वन बी ए बी पी बराबर बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. बी पी बराबर एच टू से कुछ कह दें, एच वन से एच टू से एनी थिंग, एच वन से एच टू से कुछ मान लिए, से मीन्स मान लिए. तो ऐसी हालत में इफ़ स्पीड ऑफ लाइट भी वी, अगर लाइट का स्पीड वी हो तो ऐसी हालत में ये टाइम टेकन अलोंग ए ओ, इफ स्पीड ऑफ लाइट इज वी, अगर हम लोग मान लें इफ़ स्पीड, अभी नहीं जानते सी का ना, सी इज़ कॉन्स्टेंट. सी मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि सर स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिकेटेड बाय छोटा सी विच इज़ इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. बट नॉट नेसेसरीली लाइट ट्रेवल्स विथ दैट स्पीड अलोंग.
स्पीड में भी कम, स्पीड कैन नॉट बी ज़्यादा देन सी, दैट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड. सो हेयर आई एज्यूम कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ वी, नॉट आई एम टेकिंग सी. तो टाइम टेकन बाई लाइट, टाइम टेकन बाई लाइट, इफ स्पीड ऑफ लाइट इज़ बराबर इज़ लिखते हैं इज़ वी वी, देन टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज कितना इज ए ओवर टे भी प्लस ओ बी बट्टे भी, ओ बी बाई भी, दैट इज़ यू कैन से ए ओ प्लस ओ बी बाई भी, ये है ओ ए प्लस ए बी बाई भी. ओके, नाउ यू से फिगर से देखो, ये इम्प्लाइज ए ओ, इसको हम लिख सकते हैं ये एंगल आई है, दिस एंगल विल ऑल्सो भी इक्वल टू आई, दिस आर है, दिस विल भी ऑल्सो इक्वल टू आर, ये आर होगा. तो हम लिख सकते हैं ये एच वन, ये दूरी है एच वन बट्टे इतना, ये कितना है इस एंगल के लिए, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है. तो अगर हम लिखें बेस बट्टे हाइपोटेनस, देन आई थिंक एस आई इट विल बी कॉस आई. एच वन कितना लिखें, ये एच वन है ना, सो फिगर इम्प्लाइज एच वन बट्टे ए ओ प्लस टाइम टेकन इज ठीक है एच वन बट्टे ए ओ, और प्लस एच टू, इसको मान लें एच टू मानो एच टू बाई ओ बी, ये टाइम टेकन है एच वन बाई ए ओ, हाँ ठीक है, ये कितना हुआ एच वन बाई ए ओ बराबर होगा टेन आई, और एच टू बाई ओ बी बराबर टेन, हाँ ठीक है, क्या करना वो. ओके, यानी दिस इज़ एच वन, दिस इज़ इतना टाइम टेकन हमको निकालना है, टाइम टेकन बराबर है ए ओ बाई वी प्लस ओ बी बाई वी, ए ओ निकालना है. तो एच वन बाई ए ओ अगर हम कहें, लेट अस सी इसको देख लो, देन फिगर इम्प्लाइज एच वन बाई ए ओ, इसको कह सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनस, दिस इज़ बेस एच वन बेस, इस एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है. देन एच वन बाई ए ओ को आई में राइट कॉस आई है ना, और उसी तरह से वहाँ अगर एच टू कह दें एच टू, दैट इज़ ए ओ, दैट इज़ ए ओ को हम लिख सकते हैं ए ओ को एच वन बटे कॉस आई, ए ओ बराबर होगा एच वन बाई कॉस आई, या इसको लिख सकते हैं एच वन सेक आई. ओके, सिमिलरली इसी तरह से ये इम्प्लाइज एच टू, वहाँ एच टू है, एच टू बट्टे ओ बी, एच टू बाई ओ बी, दिस इज़ एच टू, दिस इज़ ओ बी, ये एच टू बाई ओ बी बराबर कॉस आर, एंड दैट इज़ हम लिख सकते हैं इसको ओ बी बराबर एच टू कॉस आर. ठीक, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ए ओ प्लस ओ बी, और वहाँ भी है, तो इसलिए टाइम टेकन लिखा हमने, टाइम टेकन टी, दैट इज़ ये टी टाइम टेकन, ये बराबर कितना होगा, ये बराबर होगा ए ओ प्लस ओ बी, यानी एच वन सेक आई प्लस एच टू सेक आर बाई वी, करेक्ट. नाउ यू सी दिस इज़ टाइम टेकन, और ये क्वेश्चन वन है. अच्छा, अब देखो, अब यहाँ ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वो इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. चाहे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम यहाँ करें, हो सकता है कहीं लाइट जो आ रहा है तो ए से आके ओ बी तक जाना है, रास्ता मे बी दिस,
रास्ता मे बी दिस लाइक दिस, रास्ता मे बी लाइक दिस, रास्ता मे बी लाइक दिस, ए प्लस ओ बी चाहे जो हो, बट दिस डिस्टेंस ओ एम एंड ओ पी ये बराबर कांस्टेंट होगा। चलना यहीं से है ए से, तो इस पर परपेंडिकुलर एम होगा, यहाँ बी तक आना है तो परपेंडिकुलर पी होगा। लाइट में गो, लाइट में फॉलो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ऑन दिस मिरर, पॉइंट ओ मे बी हेयर, मे बी हेयर, मे बी देयर, मे बी देयर, मे बी हेयर, बट दिस डिस्टेंस एम पी बराबर कांस्टेंट। ओके, यानी ये दूरी हमेशा यहाँ से चलना है लाइट को तो यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ पहुँचना है लाइट को यहाँ पहुँचे यहाँ से परपेंडिकुलर, इट विल रिमेन सेम। तो यहाँ ठीक है, नाउ लेट अस यू मे नोट इट, मैं नोट इट नोट कर लो। ओके ठीक है, फिर मिटा दें, अच्छा इसको मिटा दें ऊपर, ये एच वन प्लस टी बराबर इतना है, याद रखना एच वन से काई प्लस इतना इतना और ये बराबर इतना है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट भी एक साथ कर ही लें, दैट इज़ डी टी, डी टी अगर लिखें डी टी ये बराबर कितना होगा, ये होगा एच वन सेक आई टेन आई डी आई प्लस एच टू सेक आर टेन आर डी आर होगा, डी आर बाई वी ये होगा। ठीक है, और फॉर टाइम टू बी मिनिमम और मैक्सिमम, फॉर टाइम टू बी मिनिमम और मैक्सिमम लिखें ऊपर, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके नोट कर लीजिए, हम इसको ऊपर लिखेंगे। ओके तो इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ओके हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएटिंग डी टी हमने लिखा है, अगेन आई राइट हेयर मैन बी विजिबल मैन नॉट बी विजिबल, डी टी बराबर एच वन सेक आई टेन आई डी आई प्लस एच टू, एच टू सेक आर टेन आर डी आर बाई वी है, इट इज़ बाई वी, बट एवरी वन नोज आइदर टाइम इज मिनिमम और मैक्सिमम, हमेशा याद रखो मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम का पूर्णल मिनिमम होता है, मैक्सिमम का पूर्णल मैक्सिमम, वेयर एवर देयर इज मिनिमम और मैक्सिमम दैट मीन्स इट इज़ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। टी बराबर मिनिमम और मैक्सिमम इम्प्लाइज के डी टी बराबर ज़ीरो, बिकॉज के कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल इज ऑलवेज ज़ीरो। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम बराबर मिनिमम और मैक्सिमम, टी टाइम, टाइम बराबर मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम इम्प्लाइज डी टी बराबर ज़ीरो, डी टी बराबर ज़ीरो इम्प्लाइज, देखो अब यहाँ से जब डी टी ज़ीरो होगा तो इसको छोड़ देंगे, ऊपर वाला ही ज़ीरो होगा, नीचे वाला तो ज़ीरो हो नहीं सकता, बिकॉज अगर न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो जाए तो जवाब विल बी इनफाइनाइट, देन इट इम्प्लाइज के साहब एच वन सेक आई, एच वन सेक आई टेन आई डी आई डी आई ये बराबर एच टू सेक आर टेन आर डी आर, ये इम्प्लाइज नहीं माइनस, इट इज़ ऑफकोर्स माइनस, इतना बराबर ज़ीरो, डी टी बराबर ज़ीरो इम्प्लाइज इतना बराबर इतना माइनस, ओके बिकॉज के दिस टर्म इज़ ज़ीरो सो दिस टर्म विल बी इतना बराबर माइनस इतना, लेट इट नेम इट इक्वेशन वन, समीकरण एक। ओके नाउ यू सी अगेन, हियर यू सी आइदर रेज इज इंसिडेंट एट दिस पॉइंट एंड यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से आके यहाँ आए, ए से बी तक जाना है, मीनिंग देयर बाय कि ओ एम प्लस ओ पी बराबर कॉन्स्टेंट, नहीं तो हम लिखेंगे कि सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मे बी एनी वेयर बिटवीन पॉइंट्स एम एंड पॉइंट्स पी, बट इन ऑल सिचुएशंस ओ एम प्लस ओ पी मस्ट बी कॉन्स्टेंट, नहीं पॉइंट ओ पॉइंट ओ पॉइंट ओ मे बी एनी वेयर एनी वेयर बिटवीन पॉइंट्स, कौन चीज़ जी बिटवीन पॉइंट्स एम एंड पी, एम एंड पी, एम एंड पी, बट इन ऑल सिचुएशंस, बट इन ऑल सिचुएशंस हर हालत में, इन ऑल सिचुएशंस सिचुएशंस
OM plus OP बराबर constant, OM plus OP बराबर constant, okay, that is point of incidence must be somewhere between M and P. तो जब OM बराबर OP बराबर constant, OM को हम कितना लिख सकते हैं? देखिए ये दूरी है आपका AO, AO है ना, AO बराबर ये है, इसको कुछ मान लीजिएगा, ये इससे हम निकालना चाहते हैं, ये AO, ठीक है, तो इस दूरी को हम निकालना चाहते हैं, ये P by B, ये बराबर है, कितना होगा ये, इसके इस एंगल के लिए दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेनस ये बेस है, अच्छा ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, तो ओ एम बाई ओ ए, ए ओ अगर हम कह दें माने एच, तो ये हो जाएगा पी बाई बी, कॉस आई हो जाएगा, कॉस आई होगा ये नहीं, टैन आई होगा, कितना होगा ये टैन आई, ये पी ये बी, फिगर इम्प्लाइज देखिए आप, फिगर इम्प्लाइज ये ओ एम बटे एच वन, ओ एम बाई एच वन, ये बराबर है पी बाई बी माने टैन आई, इसका मतलब दैट इज़ ओ एम बराबर एच वन टैन आई, ठीक, उसी तरह से ये वहाँ देख लीजिए, तो ओ पी बट्टे एच टू, ओ पी ये आर है, इसके लिए ये पी है, ये बी है, ये एच है, ओ पी बट्टे एच टू ये बराबर टैन आर, दैट इज ओ पी बराबर ओ पी, ओ एम प्लस ओ पी कॉन्स्टेंट है, ठीक, दैट इज ओ पी बराबर एच टू टैन आर, ओके, देन ओ एम प्लस ओ पी बराबर दैट इज, ठीक है उतार लीजिए, मिटा देंगे हम फिर, ठीक है, ओके, तो ये कितना हो गया, दैट इज़ ओ एम प्लस ओ पी दैट इज़ एच वन टैन आई प्लस एच टू टैन आर, ये बराबर क्या होगा, ओ एम प्लस ओ पी का वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं, ये बराबर कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएटिंग ये एच वन टैन आई का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर डी बाई डी एक्स टेन एक्स sec स्क्वायर एक्स, sec एक्स हाँ ठीक है sec स्क्वायर आई वही होता है sec स्क्वायर आई डी आई, टेन एक्स का डिफरेंशियल एच टू sec स्क्वायर आर डी आर बराबर ज़ीरो, दैट इज ठीक है ना, टेन आई का डिफरेंशियल sec स्क्वायर होता है, तो ये है वो पहला वाला इक्वेशन क्या था, इक्वेशन वन शायद लिखा था हमने, इक्वेशन वन क्या था, वॉट वॉज इक्वेशन वन, एच वन दैट इज ये एच वन एच टू है, दैट इज यहाँ से लिखेंगे एच वन sec स्क्वायर आई sec स्क्वायर आई डी आई बराबर माइनस एच टू sec स्क्वायर आर डी आर, इट इज़ आवर इक्वेशन टू, क्या था वॉट वॉज द फर्स्ट इक्वेशन, आई जस्ट कितना था वो ये एच वन ये रहा होगा ना, इसको निकाला था ए ओ बाई यू, ए ओ बराबर कितना आया था एच वन साइन आई वो टेन आई था पी बाई बी, कितना था सेकंड इक्वेशन क्या था व्हाट वाज द फर्स्ट इक्वेशन क्या था नहीं बता सकते, अच्छे वो देखो जस्ट आई एम मैंने मिसिंग क्या था वो निकाल देंगे, इसमें क्या झंझट है, तो निकाल देंगे हम तुरंत, ए ओ प्लस ओ बी बराबर कॉन्स्टेंट था ना जी, ए ओ बराबर कितना लिखा था बताओ, ए ओ बराबर लिखा होगा ये ए ओ है, तो इसको लिखेंगे ये इसके लिए इस एंगल के लिए ये कॉस हो गया ना, ए ओ बराबर ये पी है ये बी है ये एच है, तो पी बाई एच एच वन बाई ए ओ बाई एच वन तो ये हो गया सेक आई हो गया हुआ, तो एच वन बराबर हो गया यानी ए ओ बराबर होगा एच वन सेक आई, यही रहा होगा,
sec i, डिफरेंशियल जब करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर h1 sec i tan i di रहा होगा। फर्स्ट इक्वेशन में वह रहा होगा h1 sec i tan i di, ये बराबर रहा होगा माइनस h2 sec r tan r di। देखिए यह है इक्वेशन, या प्लस में रहा होगा तो प्लस रहा होगा, तो h1 tan i ठीक है, यहाँ ओ एम प्लस ओ पी है, ओ एम प्लस ओ पी है, यहाँ ए ओ प्लस ओ बी था, वही था, तो ये रहा होगा माइनस रहा होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन वन मस्ट बी लाइक दिस। इक्वेशन वन देखो हम लिख दें कहाँ पर, हटाया उतार लीजिए, ये उतार लीजिए, जस्ट ये उतारिए, और ये रहा होगा इसको हाउ टू मैनेज, ओके ओके ठीक है। देखिए वो था, वो पहले जो था इक्वेशन वन लिखा हुआ है, देख लीजिएगा उसमें इक्वेशन वन क्या था, यहाँ ओ एम बराबर करेक्ट है एच वन टेन आई, ओ पी बराबर एच टू टेन आर। नाउ ओ एम प्लस ओ पी बराबर कॉन्स्टेंट इम्प्लाइज, हेंस यहाँ इसको डिलीट कर दे सकते हैं ना, इसको लेटेस्ट डिलीट, और ये आई में राइट हेयर, ये एच वन टेन आई, एच वन टेन आई दैट इज एच वन टेन आई प्लस एच टू टेन आर, ये बराबर कॉन्स्टेंट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स अगेन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, आई एम नॉट राइटिंग, आई एम सेइंग ये एच वन सेक स्क्वायर आई डी आई प्लस एच टू सेक स्क्वायर आर डी आर बराबर ज़ीरो, बराबर ज़ीरो। दैट इज एच वन सेक स्क्वायर आई डी आई बराबर माइनस एच टू सेक स्क्वायर आर डी आर। This is our equation two. Now dividing equation two by one or one by two, dividing equation two by one, we get dividing equation two by one, या one by two, anything we can do, two by one we get. क्या होगा देखिए, ये two है, ये h1 sec square i डी आई बाई, वहाँ रहा होगा एच वन सेक आई टेन आई डी आई, ये बराबर माइनस, माइनस विल कैंसिल आउट, हेयर इक्वेशन टू में भी माइनस है, इक्वेशन वन में भी माइनस है, सो आई लीव इट, ये एच टू सेक स्क्वायर आर डी आर बाई, यहाँ रहा होगा एच टू सेक आर टेन आर डी आर। नाउ दिस कैंसिल्स आउट, एंड ये सेक आई कैंसिल, डी आई कैंसिल, बचेगा सेक आई बटे टेन आई, सेक स्क्वायर आई सेक सेक आई बटे टेन आई, वन बाई कॉस साइन बाई कॉस, यानी ये कितना हो जाएगा, वन बाई कॉस और ये कॉस बाई साइन, तो ये कितना बचेगा, दैट इज़ ये सेक आई कट जाएगा, डी आई बचेगा, ये सेक आई बटे टेन आई, ये बचेगा टेन आई बराबर सेक आर बाई टेन आर, टेन आर। अब सेक आई माने वन बाई कॉस आई बट्टे साइन आई बाई कॉस आई, कॉस आई एकदम छोटा है, साइन ये वन बाई कॉस आर, वन बाई कॉस आर डिवाइडेड बाई साइन आर बाई कॉस आर, कॉस आर कॉस आर ख़त्म, वन बाई साइन बचेगा, साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस आई बट्टे साइन आई, दैट इज़ वी में राइट साइन आई बराबर साइन आर, दैट इज़ आई बराबर आर, आई बराबर आर। दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसीडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज़ वी ऑल नो इट इज़ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो दैट के यू फाइंड हेयर दिस इज़ इंसीडेंट रे, दिस इज़ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज़ नॉर्मल, ऑल लाई इन प्लेन ऑफ बोर्ड, that is incident ray and reflected ray and normal lie in same plane. Also we may write, also in this we find that incident ray reflected ray and normal lie in same plane, that is in plane of board, thus, इस तरह
laws of reflection stands, laws of reflection stands true. That is, yeah, hence, laws of reflection gets verified by Fermat's principle too, by Fermat's principle. Okay, now we can also prove laws of reflection, which says sin r = μ2 / μ1. That will be done day after today. Okay.